लो भाई बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है। तो भी सुबह सुबह आप सबको हमारा नमस्ते सत श्री अकाल सलाम और गुड मॉर्निंग। वैसे तो कहते हैं कि जब दिन की शुरुआत होनी चाहिए तो सूर्य देवता के साथ होनी चाहिए, आपको एक फ्रेश एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल ही बादल है। अर्ली मॉर्निंग उठो और आपको ऐसा माहौल मिले ना, और ऊपर से रिम झिम टप टप बूंदे गिर रही है, सूर्य देवता का नामो निशान नहीं है। चेंज के लिए बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा ही लग रहा है हमको तो। बहुत ही वेदर ये, गर्मी से तो बेटर ही है भाई कि ऐसा ही वेदर हो। लगभग बज चुके हैं समय सुबह के 6, पक्षी सुबह चहचहा रहे हैं, धीरे धीरे उठना शुरू कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया है, 4-5 दिन बहुत बरसात बता रखी है, हर चीज गिल्लम गिल्ली हो गई है। बट मानसून का भी अलग मजा है, बरसात का भी अलग मजा है, बीच में थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी हवा चल रही है तो ठंडक भी काफी बढ़ गई है। हालांकि मैं टी शर्ट में बाहर खड़ा हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखो प्रीति लगी है सैंडविच बनाने के लिए, थोड़ी सी लेट हो गई है आज। योगा भी तो करना जरूरी है ना। प्रीति कर दे सूर्य नमस्कार। पोजे लेके यहाँ 1, ये 2, 3 और चौथी में, तो हम जा रहे हैं बादलों के बीच में। मौसम बहुत सुहावना है, हमारी गाड़ी चली थी डिप्पर पे से चल रही है कि बाहर बहुत ही फॉग है। और पहाड़ में जब भी ड्राइव करो ना फॉग के अंदर, अपनी जो लाइट है उसको आगे जला लीजिए, डिप्पर जला लीजिए। वैसे लॉजिक तो प्लेन्स में यूज होता है पर पहाड़ों में बहुत ज्यादा होता है। और ओवरटेक मत करना भाई, अभी स्कूटी वाला आया और उसकी जो कहते ना उसकी जो ट्वीट थी ना वो सीट पे टिकी नहीं हुई थी, सीट से 2 इंच ऊपर थी और ये कट्टा मारा था 90 की स्पीड पे, ऐसे था वो यू टेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा मोड़ पे ओवरटेक किया उसने, वो ऐसे ऐसे हो गया था पूरा। हाँ ऐसे हो गया था। लवे ने नाम बताओ कि छपरी प्लीज। और खास करके इस वेदर में तो बिल्कुल मत करो भाई। देखो आप देख सकते हो इतनी ज्यादा धुंध है और मजेदार सी ड्रिजलिंग भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो मुझे बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ सैंडविच खाने के लिए और तुझे मेरे साथ चलना है, ये नहीं बोला, ये बोला कि तू गाड़ी में बैठी है तो ये अच्छा बहाना है कि भैया बिठा दो उसको। क्योंकि इसने कहा था मैं साउथ इंडियन खाऊंगी। तो हाँ मुझे साउथ इंडियन खाने का मन है, पर बंदा है पूछता तो है ना कि खा ले तू भी क्या। ओहो ये देखो आप, एक गाड़ी पूरी खाई में चली गई है नीचे और क्रेन आई हुई है उसको उठाने के लिए, और एक भाई साहब नीचे गए हुए हैं। बैंड है ना, ये बैंड पे ओवरटेक हुआ होगा या तो। थोड़ा ऐसे आगे खींच दूं, कभी नहीं रुकेगी। तो भाई यहाँ पे गाड़ी गई नीचे और ये है नतीजा ओवरटेकिंग करने का, जब कोई बेंड पे बड़ा लंबा कट मारता ना ओवरटेक करता तो इस तरीके से होता है। नजारे बहुत तगड़े हैं और फॉग भी बहुत तगड़ा है। अभी झरना है यहाँ पे, कई मुझे लगता है 1,000 फीट से ऊपर से गिर रहा होगा, अभी शायद नजर आए। 1,000 फीट ज्यादा नहीं होगी। अरे नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा। अरे अभी दिखेगा, देख। अरे नहीं दिखेगा, दिखेगा। मैंने अभी ऊपर से ऊपर वो रहा, मेरे ऊपर से नहीं है, वो झरना नहीं है, बादल है। बोरा वो देखो कितनी ऊपर से गिर रहा है। जूम करना पड़ता है। ये रहा,
तो अभी फाइनली हम आ गए हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। मुझे साउथ इंडियन बहुत ज्यादा पसंद है। भाई एक कीड़ा बोलने वाला, सुनो ये को एलियन है और देखो डरी जानी खतरनाक आवाज आ रही है बहुत। सुनो पहाड़ों बनाने का शौक है तो देख लो भाई, और दोबारा बोलेगा देखो ये क्या मौसम हो गया है। ओहो वहाँ से आ रहे हैं काले बादल और यहाँ पे सफेद है जी, और जी वहाँ पे काले, जबरदस्त बरसात आने वाली है। लो भाई बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है, ये देख देख इधर इधर ये कैसे हो रहा है बिल्कुल, और इधर देख बिल्कुल काला, बिजलियाँ कड़क रही है उस साइड से बहुत ज्यादा, इस साइड से तेरे को एक चीज दिखाती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा देखा है तूने? ये क्या है? ये देख, ये कीड़ा है, पता नहीं क्या, निकाल तो सही इसको बाहर, नहीं मरा पड़ा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। ओहो भाई देखो भाई इतने खतरनाक कीड़े आ जाते हैं। ओए जिंदा है, जिंदा है। बातचीत को लग गई कमी, चले घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल